हल्द्वानी के इंदिरा नगर स्थित नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के मुख्य सड़क पर कचरे का ढेर हो गया है, जिसमें नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के पास में नगर की कचरा गाड़ी ने सड़क के पास ही कूड़ा फेंक दिया, जिसको लेकर निगम पर 10,000 का चालान किया गया है। वहीं जिले की डीएम वंदना सिंह ने कहा कि नगर निगम को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान डीएम वंदना सिंह ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जल्द से जल्द सड़क से कचरा हटा करके ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर फेंका जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाईवे पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर निगम को उस बीच में निर्देशित किया गया था कि उसको वो हटवाएंगे, वहां से हाईवे को क्लियर करेंगे। दुर्घटनाओं का खतरा भी उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। नगर निगम के द्वारा इसमें काफी धीमी गति से काम किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इसके क्रम में एक नोटिस नगर निगम को निर्गत करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए हैं और नगर निगम को 5 दिन का समय दिया है इसको पूरा हाईवे से हटाने के लिए। यदि 5 दिन के अंतर्गत नहीं हटाया जाता तो नोटिस के क्रम में आगे फिर हम लोग फर्दर जो है एक्शन लेंगे नगर निगम के ऊपर। अभी नगर निगम ने ये आश्वासन दिया है कि इसको अगले कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा और अगले 4 दिनों के अंदर अंदर वो इसको पूरा हाईवे से